हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारी बी आर टैच एंड हिंदी वागेला को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी आर टैच एंड हिंदी वागेला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जेंट्स पैंट की कटिंग। तो दोस्तों, पैंट की कटिंग शुरू करने से पहले चलिए हम एक बार मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, लंबाई है 41 इंच यानी 41 इंच, थाई है 24 इंच, कमर है 35.5 इंच, मोरी है 13.5 इंच, हिप है 38.5 इंच, हाई है 25 इंच और घुटना है 16 इंच। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग दोस्तों हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर की ओर एक सीधी लाइन खींच लीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो रेशेदार कपड़ा है वो निकल जाए और हमारा पैंट की कटिंग सीधी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लीजिए और इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे 2 इंच पे। 2 इंच पे एक मार्किंग और करेंगे और उसका सीधा लाइन खींच लेंगे। ये लाइन दोस्तों हम इसलिए खींचेंगे ताकि जब हमारे पैंट की जो मोरी होती है इसको मोड़ने के लिए ये 2 इंच का मार्किंग लगाया जाता है। तो इसलिए 2 इंच का मार्किंग करके इसको भी सीधा कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। तो दोस्तों, लंबाई है हमारी 41 इंच। तो 41 इंच पे हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से इस तरह इसको सीधा कर लेंगे मेजर टेप को। और इसके बाद 41 में से 1 इंच हम कम कर लेंगे। कम दोस्तों इसलिए करेंगे ताकि 1.5 इंच का जब बेल्ट होगा तो इसमें 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा और 1 इंच इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम 1 इंच यहाँ से कम करेंगे। तो 41 में से 1 इंच कम करेंगे और इसको मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम हाई का नाप लेंगे। तो हाई दोस्तों हम हाई है हमारी 25 इंच, इसका आधा करेंगे तो 12.5 इंच। 12.5 में से 3 इंच हम कम कर लेंगे तो 1, 2 और 3। तो 9.5 इंच पे हमारा हाई का मार्किंग होगा। तो इस निशान से हम 9.5 इंच पे हाई का मार्किंग लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम घुटने का मार्किंग करेंगे। तो घुटना दोस्तों लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे। तो टोटल लंबाई का आधा करेंगे। टोटल लंबाई 41 इंच, इसका आधा होता है 20.5 इंच। इसमें 1/2 इंच हम प्लस कर लेंगे तो 21 इंच पे हम घुटने का मार्किंग करेंगे। और दोस्तों ये तीनों निशान हम सामने की ओर लगा लेंगे। और इस तीनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम थाई का नाप लगाएंगे। तो थाई का नाप लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। किनारे से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से हम थाई का नाप लेंगे। तो थाई दोस्तों हमारी 24 इंच है तो 24 का आधा हम करेंगे 12 इंच। तो 12 इंच पे इस तरह इस निशान से 12 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग इसका आधे पे करेंगे तो ये 6 इंच पे होगा शायद 6 इंच पे। और दोस्तों इस निशान से हम किनारे तक नापेंगे तो ये हमारा हार हो रहा है 7.5 और 1 सूत। तो इस तीनों लाइन पे हम यही मार्किंग तीनों लाइन पे लगाएंगे ताकि हमारे पैंट का जो बीच सेंट्रल निकल जाए। तो 7.5 इंच और 1 सूत यहाँ पर भी लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। ये दोस्तों हमारा बीच सेंट्रल होगा पेंट का और इसी लाइन से हम सभी मार्किंग करेंगे। घुटने का, मोरी का, सभी मार्किंग हम इसी लाइन से करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटना है हमारा 16 इंच तो 16 का आधा करेंगे तो 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ, 8 इंच पे हमारा घुटना होगा। तो ये 8 जो 16। इसके बाद
मोरी का माप कर लगाएंगे तो मोरी 13.5 इंच है, सो 13.5 इंच का आधा होता है 7.5 इंच। 7.5 का आधा करेंगे हम 3.25 सूत, तो 3.25 सूत इस तरफ रखेंगे और 3.25 सूत इस तरफ रखेंगे, टोटल 7.5 इंच, 7×2=13। तो इस तरह मार्किंग करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इस निशान तक सीधी फंटी से सीधा कर लेंगे। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। यह थोड़ा इस तरह टेढ़ा रखेंगे ताकि हमारा जब मोरी अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम ऐसे शेप वाली फंटी से यहाँ से शेप दे देंगे इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से सेट करके शेप दे ताकि आपके पेंट का फिनिशिंग बिल्कुल बढ़िया आए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे जो हमारी फलाई लगाने के लिए। और यहाँ से दो जो हिस्सा बचता है वो नाप लेंगे, तो ये 4.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच कम कर लेंगे, 4 इंच पे ही यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से कमर नापेंगे, तो मार्जिन का छोड़ के कमर मापेंगे, तो यहाँ इतना हमारा मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से हम कमर नापेंगे, तो कमर है हमारी 35.5 इंच, तो 35.5 को 4 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा 9.25 होगा। तो 9.25 पे हम मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन का लगाएंगे जो हमारे सिलाई के लिए। तो इतना करने के बाद हम इस शेप फंडी से शेप दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह शेप दे देंगे और यहाँ से फलाई की गोलाई दे देंगे इस तरह से। यहाँ से दोस्तों हम 1/2 इंच कम रखेंगे ताकि हमारा पेंट का फिनिशिंग एकदम बढ़िया हो जाए और इसको यहाँ से इस तरह मिला लेंगे। पॉकेट दोस्तों हम 2.25 इंच पे पॉकेट रखेंगे और नीचे हम 7.5 इंच पे रखेंगे और इसको भी शेप दे देंगे पॉकेट का। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। इसके बाद दोस्तों कुटका लगाना ना भूले ताकि आपको आपके माप का पता चले कि यहाँ पे हमारी ये मार्किंग है और यहाँ पे ये मार्किंग है। और अगर दोस्तों आपको पेंट कटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो चुका है, चलिए हम बैक पार्ट का कटिंग करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरह उल्टा कर लीजिए। और उल्टा करने के बाद इसको अच्छे से बिछा लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछा लीजिए। इस तरह दोस्तों फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछाने के बाद
ये तीनों लाइनों को सीधा कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे एक और दोस्तों हाफ इंच पे और नीचे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे डेढ़ इंच पे रखेंगे, यहाँ पौने दो इंच पे रखेंगे, और यहाँ पौने तीन इंच पे। इसके बाद इसको भी सीधा कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक और डेढ़ इंच पे मार्किंग कीजिए, ये दोनों के बीच में, ये 20 इंच है तो 10 इंच पे यहाँ पे डेढ़ इंच पे मार्किंग कीजिए एक और, ताकि यहाँ से यहाँ तक हमारा सीधा हिस्सा रहे और अच्छा फिटिंग बैठे। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे शेप फंडी से शेप दे देंगे। इस तरह से दोस्तों इसके बाद यहाँ से एक इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस लाइन से यहाँ तक गोलाई देते हुए इसको इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से यहाँ इस लाइन तक ही इसको गोलाई दे दे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम डेढ़ इंच में मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ तक सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों एक इंच हमारा यहाँ डार्ट लगेगा, तो एक इंच डार्ट का हाफ इंच इधर मार्जिन जाएगा दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए, तो टोटल डेढ़ इंच हमारा एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसके बाद कमर का माप लगाएंगे, तो कमर हमारा 35.5 का चौथा हिस्सा लगाएंगे, तो 9.25 आएगा, तो 9.25 पे हम मार्किंग करेंगे और 2 या 2.25 इंच आप जो भी रखना चाहे वो एक्स्ट्रा रखें, हम 2.25 इंच रखेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम हिप का नाप लेंगे। तो हिप के लिए दोस्तों दोनों साइड से हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन निकाल लेंगे। आप जितना भी मार्जिन रखते हो एक्स्ट्रा वो निकाल लीजिए दोनों साइड का फ्रंट पार्ट में इस तरह से। और इसके बाद हम हिप का मार्किंग नाप करेंगे। तो दोस्तों हिप है हमारी 38.5 इंच, तो 38.5 में डेढ़ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग के लिए, तो टोटल होगा हमारा 40 इंच। 40 का आधा करेंगे हम, तो 40 का आधा होता है 20 इंच, तो 20 इंच को इस तरह इस मार्किंग के वे रखेंगे और इस मार्किंग से यहाँ तक नापेंगे, तो ये हमारा 10.5 इंच बचता है। तो 10.5 को इस तरह रखेंगे इस पीछे वाली लाइन से हाफ इंच छोड़ के, जो बैक पार्ट का जो बैक पार्ट है उसको हाफ इंच मार्जिन का छोड़ लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप हाफ इंच इस तरह सिलाई का छोड़ दीजिए और यहाँ से 10.5 इंच में मार्किंग कीजिए इस तरह से। ये तो ये हमारा हिप का मार्किंग हो गया और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और इस लाइन को पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं और इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद दोस्तों ऐसे फ्रेंच कर्व हो तो आप हाथ से भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब फ्रेंच कर्व से अच्छी गोलाई होगी, तो इसलिए आप हो तो इसका यूज करें और इसको अच्छे से गोलाई दे दे।
इस तरह से। तो दोस्तों हमारा ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है मार्किंग में, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मार्किंग हुआ है। और अगर दोस्तों आपको कोई कटिंग या मार्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पेंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये बोला था कि सर आप कटिंग तो करते हैं लेकिन हमें मेजर करके दिखाइए, हाई का मेजर नहीं इसको सेट हो रहा, तो चलिए हम मेजर करके दिखाते हैं इसको। तो दोस्तों हमारी हाई का नाप था 25 इंच 25 इंच, तो इसको हम मेजर करते हैं कि कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से जो हाफ इंच का हमारा सिलाई का मार्जिन होता है वो निकाल लेंगे, इस तरह से हाफ इंच का सिलाई निकाल लेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको नापेंगे, और यहाँ पे भी एक हाफ इंच का जो बेल्ट लगेगा तो हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा हम नापेंगे, तो इस तरह से नाप लीजिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के। तो ये दोस्तों हमारा आ रहा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच ये इस तरह रखे, और इसके बाद ये बैक साइड में भी हाफ इंच का हमारा मार्जिन जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे भी एक हाफ इंच का मार्जिन जाएगा बेल्ट में अटैच होगा। तो 9.5 इंच को इस मार्किंग पे रखेंगे और इस तरह मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से नापने से हमारा आ रहा है ये 22 इंच टोटल ये हुआ। और दोस्तों 1.5 इंच का इस तरफ बेल्ट आएगा ऊपर की ओर बैक साइड में, और 1.5 इंच का फ्रंट साइड में, तो टोटल 3 इंच हो गया। तो 22 इंच ये और 3 इंच बेल्ट का, तो टोटल हो गया हमारा 25 इंच। तो इस तरह से हमारे हाई भी परफेक्ट 25 इंच आ गई है। तो इस तरह आप भी नापिए और आप भी कटिंग कीजिए, आपको बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा और बिल्कुल आपकी हाई कंप्लीट बैठेगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।